Okay, please. Thank you. Thank you. Well, okay, please. Thank you. Have seats. Seriously, मैं एक चीज जो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की कामयाबी और आप लोगों का जो विजन है कि आने वाले टाइम में जो आप करने वाले हो वो अभी आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बिकॉज इट वॉज अ मोमेंट जब मेरी फैमिली मुझसे ये चीज पूछती थी कि जब मैं अपने अपलाइन 41s और अपने अपलाइन ड्यूक्स के बारे में ये चीज बताता था कि दे आर अर्निंग वेरी वेल, वो लैक्स में कमाते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उनके पास, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उस बंदे ने ये बदल के रख दिया, उसने वो कर दिए. तो मेरे घर से मेरी फैमिली का एक चीज रिप्लाई आता था कि हमें फर्क तब पड़ेगा जब तू कुछ करेगा. ठीक है. एंड ये वो सिचुएशन थी जब मुझे अपने आप में ये चीजें होती थी कि सीरियसली जो लोग कमा रहे हैं उनसे फर्क उनकी लाइफ को और उनकी पेरेंट्स की लाइफ को पड़ाया है. एंड जब मैं कमाऊंगा टेक्निकली मेरी फैमिली को फर्क तभी पड़ने वाला है. एंड मे बी आज की डेट में अगर आप लोग नहीं कमा रहे हो और आज की डेट में मे बी आप लोग स्ट्रगलिंग टाइम में और आपके सामने बहुत सारे सपने हैं, आज आप किसी को वर्बली एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो कि आने वाले टाइम के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ या क्या हो सकता है, आप वर्बली नहीं बता सकते हो, तो प्लीज अपने आपके कान बंद करके और मुंह बंद करके सिर्फ एक चीज के ऊपर एफर्ट डालिए, दैट इज योर वर्क. और इतने अच्छे तरीके से करो ताकि आप लोगों को अपनी कामयाबी का सबूत लोगों को बोल के नहीं देना पड़े, वो देख के खुद ही समझ आए कि बंदा कामयाब हो गया. बिकॉज आई नो वेरी वेल कि जिस चीज को हम लोग बोला जाता है कि ऑफकोर्स कामयाबी बोलती है ना, तो मैं आपको अपनी लाइफ की ये चीज भी शेयर करना चाहता हूँ. बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम बुलेट बाइक परचेज किया था तो मैं अपने घर पर जब गया हुआ था तो कुछ लोग ऐसे होते जिनको बहुत ज्यादा जेलस होती है हमारी कामयाबी के ऊपर. इट्स अ रियलिटी कि अगर आप लोग कामयाब हो जाते हो तो खुशी मिलती है, बट अगेन आप कामयाब होते हो इससे लोगों को जेलस होती है और उनकी जेलस को देख के जो खुशी मिलती है उसका मजा कुछ और होता है. एंड जब मैं बाइक लेके अपने घर पे गया हुआ था तो ऑफकोर्स लोगों की वर्डिंग कुछ इस टाइप से थी, अच्छा लड़कों के साथ रहता वहां पे मांग मूंग के ले आया होगा जुगाड़ी तो पहले ही. अगेन बुलेट बाइक के बाद मैं होंडा सिटी गाड़ी लेके चला गया था, लेकिन लोगों ने उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए. वाला होंडा सिटी के बाद मैंने अपने लिए ऑफिस की तरफ से मुझे बुलेट बाइक गिफ्ट हुई थी, जो मैंने गिफ्ट मुझे हुई थी बट मैंने अपने पापा को गिफ्ट कर दी थी. एंड आफ्टर दैट मैंने शेवरले क्रूज गाड़ी जब परचेज किया तो तब भी मैं जब वहां पे गया हुआ था, देन अगेन फिर लोगों के थोड़े थोड़े मुंह बंद होने शुरू हो जाते कि जब आप लोग अचीवमेंट पे अचीवमेंट और लाइफ में आगे ग्रो करते जा रहे हो तो लोगों को पता चलने लगता है कि ऑफकोर्स अभी मतलब कि आगे निकलना शुरू होता है. एंड इट्स द रियलिटी कि जब तुम लोग कामयाब होना शुरू होते हो तो तुम्हारी कामयाबी की जो चमक होती है वो लोगों की आंखों में रड़कती है. दैट इज द थिंग कि जब आप लोग गरीब हो आपके पास पैसा नहीं है तो आपका भाई बहन बंधु जो भी आपका कितना भी सगा है सिर्फ आपके माँ बाप को छोड़ के कोई और आपके साथ खड़ा नहीं होगा, इस बात को याद रखना. और दूसरी चीज, जब आप लोगों के पास पैसा है आप कमाते हो और आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो तब आपका हर कोई अपना बनेगा, हर कोई आपसे रिश्तेदारी निकालेगा, दूर से दूर लोग आपके साथ अपना कनेक्शन देंगे, अपनी बुआ का लड़का है, मामे का लड़का है, ये मेरी इतनी दूर की सिस्टर लगती है, उससे पहले कोई आपकी बात तक नहीं पूछता, इट्स द रियलिटी. तो इस चीज को दुनिया को दोष मत दो कि दुनिया ऐसी है, समझ रहे हो आप लोग, प्लीज इस चीज के अंदर दुनिया को दोष मत दो कि दुनिया ऐसी है. वो पैसे को देखती है, दोष अपने आप को दो कि अगर आज कोई बंदा मेरे से दूर भाग रहा है तो उसको पता है कि अगर मैं इसके घर में जाऊंगा तो इसके पास पहले खाने के दाने नहीं है तो अगेन मुझसे सवाल करेगा. तो प्लीज अपने जो खाने के दाने और जो लाले पड़े हुए हैं जब आप उन कमियों को पूरा कर दोगे ना तब सारी रिश्तेदारियां अच्छी लगती हैं, और इस चीज को ध्यान में रखना. और दूसरी चीज इसके साथ साथ जो आप लोगों को मिलेगी आपकी कामयाबी के साथ, जब आप लोग लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करते हो तो अपने माँ और बाप की आंखों में आंखें डाल के एक चीज को देखना, पहले उनकी आंखों का आकार थोड़ा साइज जो होता है वो चिपक चुका होता है, बट उन्हें दिखता है चाहे नहीं दिखता है, चाहे कम दिखता है वो बात अलग होती है, बट अगेन आपकी कामयाबी की वजह से उनकी आंखों की जो चमक होती है दैट इज द हैप्पीनेस. कि जब आप एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करते हो तो डेफिनेटली इससे आपके पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है
एंड देन आपके पेरेंट्स जो इस चीज को लेके आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं, दैट इज अ मोमेंट जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जिसको पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। बट रिमेंबर दिस कि अगर पिछले 20-25 साल से मैंने अपने पापा को खेती करते हुए देखा बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी है, तो ये बिजनेस तो फिर भी आसान है। एंड इस बिजनेस को करने के लिए एक सिंपल फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस बिजनेस को सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा उल्टा है। अगर आप लोग इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो तो जो भी आपके अपने सगे जो लोग हैं ना, जिनके ऊपर आपको लगता है कि ये भाई तो पक्का है ये बिजनेस करेगा ही करेगा, अपने लोगों को पराया समझना शुरू कर दो। और जो पराए हैं, लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, उनको अपना बनाने की कला सीख लो, बिजनेस अपने आप चल जाएगा। एंड फिर भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस हर एक की समझ में आएगा। देखो, 4 साल पहले मैं आया तो 4 साल पहले और लोग भी तो आए होंगे, और अगर हर एक की समझ में आ जाता तो आज वो भी मेरे साथ स्टेज पे खड़े होते। पॉसिबल है? इट मीन्स कि प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की सोच और समझ के अंदर है कि जिसको समझ में आ गया वो कुछ कर गया और जिसको समझ नहीं आया वो कुछ नहीं कर पाए। तो सिर्फ अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करो। जितना अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली उतना अच्छा आप लोगों को काटने के लिए मिलेगा। बट रिमेंबर दैट अगर आप लोगों ने बबूल के पेड़ बोए तो कभी भी आप लोगों को आम काटने के लिए नहीं मिलेंगे। जो आप आज की डेट में बो रहे हो, कल की डेट में वही आपको काटने के लिए मिलेगा। तो अपने आप से क्वेश्चन पुट जरूर करना, चाहे आप लोग लाइफ के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, क्या से 4 से 5 साल के बाद मुझे यहां से क्या मिलेगा आउटपुट। एंड हर एक इंसान के अंदर टैलेंट, टाइम सभी के पास सेम होता है। एंड बहुत सारे लोग इस चीज को सोचते हैं कि यार मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं मानता हूं कि टैलेंट सभी में एक जैसा नहीं है। कोई बहुत शार्प माइंडेड होता है तो बहुत, कोई स्लो माइंडेड होता है, किसी की क्रिएटिविटी लेवल ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। बट एक चीज जो हम सभी के पास कॉमन है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेंटेलिटी और अपने आप को ग्रो अप और बिल्डअप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी सभी को सेम मिली हुई है। या तो आप लेके इस चीज के लिए पछताइए कि मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, और या फिर आप दूसरी साइड पे फोकस कीजिए कि ऑफकोर्स स्किल और टैलेंट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बट एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे वो सारी चीजें बन सकती है। एंड प्लीज क्लैपिंग करना एक बार उन लड़कों के लिए, बिकॉज दीज आर द दोज पीपल जो लोग इस चीज को बहुत टाइम पहले समझ चुके थे, 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, कि फर्क ये नहीं पड़ता कि टैलेंट है या नहीं है, फर्क इससे पड़ता है कि मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है वो कितना टैलेंट मेरे अंदर बना देगी। बिकॉज इट्स अ जर्नी, ये सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, इससे जो आउटपुट आप लोगों को मिलती है कि इंसानियत, कि आप एक ऐसे सैंपल हो जिसको देख के लोग बदलना चाहते हैं, जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं, तो प्लीज काम कीजिए इस चीज के लिए। ये बहुत डिफिकल्ट है दोस्त, आसान नहीं है अपने आप में। बिकॉज आप में से कितने लोग ऐसे जो महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं? उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। गौतम, तो गौतम का जब बर्थ होता है तो ऑफकोर्स उनके पापा की एज काफी हो चुकी थी, तो बहुत छोटी, मतलब कि उनके पापा की एज ज्यादा थी, तो वो जब लड़के का बर्थ होता है तो वो, मतलब ट्रेडिशनली वो राज कराना था, बहुत बड़ा राजपाट उनके पास था। तो राजा ने अपने बेटे का हाथ दिखाने के लिए और उसका फ्यूचर कंफर्म करने के लिए कुछ राज पुरोहितों, पंडितों वगैरह को बुलाया, तो उन सभी ने ये चीज बोला कि आने वाले टाइम में या तो एक ऐसा राजा बनेगा जो पूरी दुनिया को जीतेगा, या फिर ये सन्यासी हो जाएगा। तो राजा को इस चीज से टेंशन होगी कि इतने टाइम के बाद एक बेटा पैदा हुआ और उसके बारे में भी ये बोल रहे हैं कि या तो ये ऐसा करेगा या फिर सन्यासी हो जाएगा। बोलता है ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये सन्यासी ना बने। तो वहां पे जो पंडित इकट्ठे हुए थे उन लोगों ने उसको एक तरीका भी बताया, सॉल्यूशन, उपाय भी बताया कि तुम इसके सामने दुनिया की कुछ ऐसी चीज नहीं आने देना जिसकी वजह से इसके अंदर, दिल के अंदर मोह माया, कुछ ऐसी चीजें बने, लाइक एज बुढ़ापा, बीमारी या गरीबी या कुछ ऐसी चीजें। तो बोलते ठीक है, एक टाइम आता है। तो जब वो हमारी एज में आता है, यंग एज के अंदर, तो वो किसी ऐसे फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे उद्घाटन सिर्फ राजकुमार कर सकता है। तो रास्ते में जाते हैं, वहां पे उसको एक बूढ़ा नजर आता है जिसकी कमर झुकी हुई है। ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि कुछ ऐसा होगा नहीं, रोड साफ होना चाहिए, बट स्टिल वहां पे एक बूढ़ा नजर आ जाता। तो अपने सारथी से पूछता है कि ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो सारथी उसको आगे से रिप्लाई करता है कि मेरे पास इस चीज की अनुमति नहीं है कि मैं आपको इसका आंसर दूं। बोलता है मैं तेरा राजा हूं और मैं तुझे आदेश दे रहा हूं और तुझे आंसर करना पड़ेगा, उत्तर तुझे देना पड़ेगा। बोलता है ये वृद्ध अवस्था है जिस एज में जाके कमर अपने आप में झुक जाती है।
अगेन गौतम आगे से क्वेश्चन पुट करता, बोलता मेरे साथ भी ऐसा होगा, बोलता ऑफ कोर्स आप भी इंसान की जिंदगी में हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा। कुछ टाइम आगे जाते हैं वहां पे अर्थी लेके जा रहे होते हैं डेड बॉडी, उसको डेड बॉडी को जो होता क्या बोला जाता है उसको क्या, जनाजा। तो उसको बंधा होता ऊपर से, तो वो उसको पूछते कि इसको बांध के क्यों ले जा रहे। देन सारथी बोलते कि इस चीज की भी मुझे अनुमति नहीं है, बोलते मैं तेरा राजा हूं, मेरा आदेश है, तुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो बोलता है ये वृद्धावस्था के बाद की एक मरण अवस्था है कि जो इस दुनिया में आया वो मरेगा भी। बोलता मेरे साथ भी ऐसा होगा, बोलता हाँ होगा। बोलता रथ वापिस लेके चल, वो फंक्शन में नहीं जाता है, वापिस जाता है अपने कपड़े वपड़े उतार के सन्यासी वाला रूप लेके वो घर से निकल जाता है। चार पांच साल बाद जब वो उसके शरण लेने के बाद जब वो सन्यासी बन के जब वो वापिस लौटता है, तो वापिस लौटने के बाद वो जब जाके डोर को नॉक करता है, लेकिन वहां से उसकी वाइफ आती है, तो वाइफ उससे बहुत नाराज होती है, उसको बोलती कि तुम बता के क्यों नहीं गए। लेकिन महात्मा बुद्ध उस टाइम पे रिप्लाई करते हैं कि अगर उस टाइम पे मैं बता के क्या होता तो कभी मुझे जाने नहीं देती। वो फिर भी नाराज होती है, लेकिन महात्मा बुद्ध आगे से उसको रिप्लाई करते हैं कि तू इस चीज को मत देख कि जब मैं तेरे पास से गया था तब कैसा था और क्यों गया, क्यों नहीं बता के गया। तो इस चीज को देख कि चार साल पहले जब मैं गया था तब कैसा था, और अब जब मैं वहां से सन्यासी बन के वापिस लौटा हूं तो तब मैं क्या बन के लौटा हूं। एंड दैट इज द रियलिटी। ये हमारे बिजनेस के अंदर भी सेम है, जब आप आए हो तो कुछ और, जब चार से पांच साल के बाद आप इस इंडस्ट्री से बाहर निकल के लोगों के साथ मिलोगे तब आप लोग कुछ और बन के निकलोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को मिलेगी दैट इज द इंसानियत, जिसको देख के लोग बदलना चाहते हैं और जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं। ये इस डायरेक्ट सेल बिजनेस की सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड स्पेशली आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने मम्मा को स्टेज पे एक बार इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज मॉम कम ऑन द स्टेज। एंड मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बहुत बड़ा। उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। जैसा कि सीने ने आपको अपने बारे में बताया, सारी चीजें बताई, मैंने भी आपको बताया था सीनियर के बारे में। सीनियर वो इंसान है जो मैं यहाँ आने से पहले, आईफा जॉन से डीबीए से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज इस टाइम पे जो भी चीज़ अगर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँ, सीनियर की जो इस मंथ की अगर इनकम की मैं बात करूँ, आप एक मंथ की या एक दिन की इनकम सुनना चाहेंगे? एक दिन की जो इस टाइम नियर अबाउट सीनियर की जो इनकम है 30,000 रुपए है एक दिन। सीरियसली मैं आप लोगों के साथ सामने जो सरप्राइज शेयर करने वाला हूँ, अभी मैं मार्किस संतोष जी के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जिसको सुन के अपने आप में मुझे भी बहुत ज्यादा फील हुआ। उन्होंने एक चीज बोली कि आप बहुत लकी हो जो आपके इस इवेंट के अंदर आपके माँ बाप शेयर कर रहे हैं आपकी खुशी को, बहुत सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आज आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से आप लोगों को अपने माँ बाप के साथ खुशियां शेयर करने का मौका मिल सकता है। एंड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब घर के हालात कुछ ऐसे थे कि जो माँ का जो सोना था, गहने बालियां, जो भी ज्वेलरी होती है, गोल्डन ज्वेलरी, वो सब कुछ सेल हो गया था। तो आज मैं अपने लिए बैस तो नहीं ले रहा हूँ, बट स्टिल आज मैंने अपने मामा के लिए ज्वेलरी गोल्डन सेट उनको गिफ्ट करना है। दैट इज द रीजन मैंने अपने मामा को यहाँ पर बुलाया। बहुत ही बढ़िया एक गोल्ड का सेट है जो सुनर अपने मामा को गिफ्ट करना चाहते हैं।
ओके भले एक चीज और है, लास्ट टाइम के अंदर जब भी मतलब मैं कुछ भी परचेज करके लाता था घर के अंदर, अपने बाप की कमाई से जो भी जितना भी होता था कुछ एडजस्टमेंट करके अपने लिए परचेजिंग होती थी, बिकॉज जब खुद की पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप माँ बाप के लिए कुछ लेने का सोच ही नहीं सकते, जब जेब में आएगा तो तभी आप कुछ प्लान कर पाओगे कि कुछ गिफ्ट नाम की भी चीज़ होती है जो मे बी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देने का एक अलग मजा एक खुशी होती है। तो जब मैं पहले कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए परचेज करता था तो उस टाइम में मेरी मम्मा हमेशा एक क्वेश्चन करती थी, और वो क्वेश्चन ये होता था बेटा कितने की आई है, तो मैं हमेशा से माँ को एक चीज़ रिप्लाई करता था कि इससे आपको क्या लेना, ठीक है आ गई है कैसे भी करके, बिकॉज सभी जो भी लड़के लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सभी को पता है कि हमारे जो मम्मा होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े CA होते हैं। CA समझते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब कि आपके एक एक पैसे का हिसाब करके आने वाले 4 से 5 मंथ के बाद आपका कॉलर पकड़ के आपसे ये पूछ सकते हैं कि तूने उस दिन ये बताया था 5 रुपए का हिसाब ऊपर नीचे जा रहा है, बता कहाँ पे लगाए। I'm right? But again, see, आज कंडीशन कुछ और है। आज माँ ने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि ये सेट कितने का आया, ठीक है, बिकॉज इट्स अ थिंग कि जब आप लोग बहुत अच्छा कमाने लगते हो और ऑफकोर्स अपनी जरूरतों से बहुत आगे निकल जाते हो, देन अगेन मैटर ये नहीं करता यार कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी और कितने में पड़ेगी, फिर मैटर ये करता है कि उससे मुझे कितनी खुशी मिलेगी। एंड ऑफकोर्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने मेरी इस खुशी को डबल ट्रिपल करने में मेरा हेल्प किया। एंड होप आने वाले टाइम के अंदर ऑफकोर्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कामयाब नहीं होते हो तो इसका सबसे बड़ा दुख आपके माँ बाप को है, और अगर आप लोग कामयाब हो जाते हो तो सबसे बड़ी खुशी भी आपके माँ बाप को है। तो समझ ये लेना कि दोनों में से काम किसके लिए कर रहे हैं, बट जब तक आप लोग कामयाब नहीं होते हो तब तक हो सकता है कि आपके वही माँ बाप आपके ऊपर डाउट फील करें, या मे बी आपकी काम करने के स्टाइल के ऊपर वट एवर जो भी आप जो कर रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। बट हार मत मानना, बिकॉज अगर आप लोग हार मान लेते हो तो दो चीज़ आपको मिलने वाली होती है जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, बट अगर आप लोग लगे रहते हो तो एक चीज़ हमेशा हमारे दिल के अंदर रहती है, दैट इज़ अ होप कि आज नहीं तो कल मिलेगी। तो इस चीज़ को अपने अंदर मेंटेन करके रखना कि आज नहीं तो कल, जो दिन मेरी लाइफ के अंदर आया ऑफकोर्स वो सेम सी चीज़ आप लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली अभी मैं आप लोगों के सामने एक उस इंसान को इनवाइट करने जा रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो अपलाइन होता है, हमारा जो स्पॉन्सर होता है, ही नो वेरी वेल, बिकॉज आप लोगों ने मुझे एज अ सीनियर देखा बट उसने एज अ डाउनलाइन मुझे देखा हुआ है ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे आप लोगों के डाउनलाइंस है तो आपको उसकी हर अच्छी बुरी आदत के बारे में पता होता है, तो अपलाइन को पता होता है कि मैंने डाउनलाइन को पाल पोस के बड़ा कैसे किया, जैसे हमारे माँ बाप को पता है। तो वो इंसान भी आज मेरी इस मूवमेंट के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज विद योर क्लैपिंग, मार्क्यू सिंदरपाल। मैं स्टार्टिंग के टाइम में यहाँ पे आया था तो जैसे कुछ ऑलरेडी मार्क्यू सीनियर ने ये चीज़ बताई कि कुछ लोग होते हैं जो आके देख के चले जाते हैं, उनको बिजनेस हजम नहीं आता बिकॉज समझदार लोगों का ये बिजनेस है नहीं। तो जो समझदार थे जब वो चले गए तो मेरी माँ को भी ये चीज़ पता चलती है, और मुझे फाइनली उन्होंने एक चीज़ बोली, बोलते कि तू ही इसके पीछे लगा हुआ है, जो तू वहाँ पे फंस गया दूसरे सारे तो छोड़ के आगे। तो आज अगर मैं अपनी माँ से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर इसने फंसाया नहीं होता तो आज ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आता, तो इसने फंसा के अच्छा किया या बुरा किया? ठीक, थैंक यू इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। सभी अच्छे हो? yes! सही में? yes! और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ड्यूक रोशन सर का, ड्यूक गुरसेव सिंह का, और सभी मार्क्यू सिंह का, और PB टीम का, राइट। और जैसे मैं अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ, सबसे मेरा नाम चिंदरपाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो इस बिजनेस में मुझे करीब 4.5 साल हो चुके हैं, राइट। जैसे 4.5 साल पहले इस बिजनेस में मैं आया था, सेम कंडीशनें अलग थी, राइट। और सेम आज जिस कंडीशन पर आप लोग बैठे हो, ये नहीं कि सिंपल मैं इस कंडीशन में नहीं बैठा था, आपसे पहले इस हॉल में करीब मैं 3री बार इंटर कर चुका हूँ, राइट। सबसे पहले मैं जब इस हॉल में इंटर हुआ था करीब, उस टाइम मेरा रैंक 38 था, राइट। और उस टाइम अगर देखा जाए तो उस रैंक पे कंडीशनें इतनी डाउन हो चुकी थी
कि सिंपल एक तरफ फैमिली और दूसरी तरफ एक बिजनेस राइट, और ऐसे कंडीशन के बाद खुद को समझना मुश्किल हो चुका था कि सही में एक तरफ मेरा फैमिली है और दूसरी तरफ मेरे लिए बिजनेस है राइट। अगर आज मैं इस फैमिली को पास चला जाता हूँ तो सिंपल बिजनेस से मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा राइट। अगर मैं बिजनेस को कर लेता हूँ तो सिंपल, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं इंसान को अपने आप पे डाउट होता है, क्या पता मैं बनूंगा नहीं बनूंगा राइट। उस टाइम मेरे सामने बहुत सारे लोगों को इस संरक्षी में मार्कुच बैच मिले थे राइट, और जैसे मैं इस संरक्षी में बैच मिले थे, एक होप हर इंसान के अंदर एक होप उम्मीद होती है कि सही में इस संरक्षी में मैं जैसे 41 बनूंगा मेरे आने वाला फ्यूचर बेटर बन सकता है राइट। और कहीं ना कहीं से एक फैमिली रिजेक्शन बहुत बड़ी रिजेक्शन होती है राइट, फैमिली रिजेक्शन आ सकती है, पर एक चीज हमेशा याद रखो, सभी इंसानों के लिए सेम नहीं हो सकती राइट। और जैसे फैमिली रिजेक्शन आया तो कंडीशन इस वजह से थी क्योंकि काफी मेरे रिलेटिव लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करके घर जा चुके थे राइट। मेरा रिलेटिव मौसी का बेटा था, इस बिजनेस में आया था और छोड़ के चला जा चुका था राइट। और कहीं ना कहीं से फैमिली एक ही बात बोल रही थी कि सिंपल आपका मौसी का बेटा इस बिजनेस में आके जा चुका है, अगर वो आ सकता है तो सिंपल कल को आप लोग भी आ जाओगे। और बहुत से लोग एक ही बात बोल रहे थे कि ये कॉल सेंटर में लगे होंगे राइट, और बहुत से ज्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिंपल उस संरक्षी में जाने के बाद ये लोग लड़कीबाजी के चक्कर में होंगे राइट। जब इस वजह से बोल रहे हैं लोग, पर सिंपल कहीं ना कैसे खुद को पता कि हम लोग सही कर रहे हैं राइट। और उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आज हम लोग अपलाइन डाउनलाइन दोनों ही संरक्षी में अगर सामने स्टेज पे खड़े हैं तो सिंपल अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम दोनों की इनकम आज के टाइम में देखी जाए तो करीब 13 लाख रुपए दोनों की इनकम आई है राइट। दूसरी कंडीशन में अगर मैं वो टाइम देखता हूँ करीब जब काउंट रैंक पे थे अगर देखा जाए तो उस टाइम एक ऐसी भी कंडीशन हो चुकी थी कि सिंपल मेरे पास पे होना एक कांच वगैरह शीशा वगैरह लग चुका था, और मैं खुद बोलता हूँ कि सिंपल मेरे पास 10 या 20 रुपए भी नहीं थे जिससे हम लोग इलाज करवा सकते थे राइट। और एक ऐसी कंडीशन कि सिंपल अगर आज मैं देखा जाए तो 3-4 दिन पहले मैंने अपना एक दिन का इनकम कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने अपने एक मिनट का कैलकुलेट किया कि मैं एक मंथ एक मिनट में कितना कमा रहा हूँ। तो सही वजह से देखा जाए तो मेरा इस मंथ जो इनकम आया उसको मैंने पर मिनट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो वो ज़्यादा नहीं था, एक मिनट का जो इस टाइम अर्निंग हो रहा है वो 8.62 रुपए हो रहा है राइट। और सेम आज आप बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा इस बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है और फैमिली से भी प्रॉब्लम आ रहा है, और आप लोगों सभी को मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब इस इंडस्ट्री में मैं आया था करीब 4.5 साल पहले, उस टाइम अगर देखा जाए तो डीबी का एक ही ब्रांच था राइट। और जब एक ब्रांच था उस टाइम भी लोग एक ही बात बोलते थे कि ये कंपनी भाग जाएगी, ये कंपनियां फ्रॉड होती है राइट। अगर आज की बात भी की जाए तो सेम बारकिला में सेम आपको आज भी ये सुनने को मिलेगा राइट। दूसरी कंडीशन में उस टाइम अगर देखा जाए तो इंडियन, जब मैं इस संरक्षण में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था देखा जाए तो इंडियन 2 या 3 41 थे राइट। आज लोगों का मेन क्वेश्चनिंग होता है कि हाँ आज डीबी में 41 है ड्यूक बनना टफ है, अगर देखा जाए आज डीबी में 41 है ड्यूक बनना टफ नहीं है, बहुत आसान हो चुका है। उसका रीजन एक ही है कि जब मैं इस संरक्षण में आया था अगर इंडिया 41 की बात की जाए 2 या 3 लोग इंडियन 41 थे राइट। अगर आज की बात की जाए तो सिंपल मेरे सामने ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज नहीं, 500 से प्लस लोग ऐसे हैं जो इस संरक्षण में मंत्री का 2 या 3 लाख कमा रहे हैं राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए उस टाइम एक होप कि हाँ हम लोग कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, आज देखा जाए तो टोटल घर की कंडीशन ही चेंज है राइट। आज जो लोग बोलते थे, मैं खुद बोलता हूँ, आज वही लोग एक ही बात बोलते हैं कि सिंपल ये इंसान चेंज हो चुका है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बिजी होते हैं, अगर उन लोगों का फोन नहीं पिक करते तो वो लोग आगे से एक ही रिप्लाई देते हैं, जाना चाहते हो Yes. जाना चाहते हो Yes. सही में Yes. ये चेंज हो चुका है। और एक चीज हमेशा याद रखो, ये चीज इस संरक्षण में पहले दिन से बोला जाता है कि चेंज होना जरूरी है राइट। अगर उन लोगों को ये चीज दिखाई भी दे रहा है कि ये इंसान उस संरक्षण में जाने के बाद चेंज हो चुका है तो सिंपल उन लोगों को आज भी समझ नहीं आ रहा कि उस संरक्षण में जाने के बाद हमारे में भी चेंज आ सकता है राइट। अगर मई महीने की बात की जाए तो मई महीने में जो हमारा अगर देखा जाए टोटल टर्नओवर हुआ वो ज्यादा नहीं 1.80 करोड़ रुपए हुआ राइट। उसके बाद मई का अगर जून महीने का देखा जाए, जाना चाहते हो वो 3.40 करोड़। अगर जुलाई महीने का अगर बात की जाए तो 3.44 करोड़। अगर देखा जाए तो सिंपल जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हो रहा है
मेरे इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के बाद जब मैंने 29 से ज्वाइनिंग किया ना, कभी ये सोचा नहीं था कि हाँ कभी मेरा इतना बड़ा रैंक होगा, इतना बड़ा इनकम होगा, इतना बड़ा टीम होगा। अगर आज देखा जाए तो सही वैसे आप लोग जितनी भी भीड़ है इससे 3 गुना भीड़ आज देखा जाए। हमारी टीम टोटली क्राउड में नहीं है अभी, क्योंकि ये हॉल बहुत छोटा है, राइट। अगर आगे कोई भी फंक्शन वगैरह होगा तो हम लोगों यही सोचेंगे कि इससे 4 गुना हमें हॉल बड़ा लेना पड़े, राइट। अगर बात की जाए तो इस क्राउड से करीब 3 गुना भीड़ अभी सेंटर में विजिट है, राइट। और सेम मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में जब तक आप लोग 41 बनोगे तो जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम अभी करोड़ों में है, अरबों में जाने वाला, राइट। और सिंपल जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम अरबों में जाएगा तो मैं एक चीज बोलता हूँ, जो आप लोगों की ड्रीम है, जो टारगेट बनाया 25 होंगे या 30 होंगे, एक चीज हमेशा याद रखना, ये टारगेट करीब मार्क्यूज बनने के बाद मैंने करीब 2 साल में कंप्लीट कर लिए थे, राइट। आज टारगेट टोटली चेंज है, राइट। और इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर वैसे ही संरक्षण में आप लोग लर्निंग करते रहो, राइट। अगर इस संरक्षण में प्रॉपर वैसे लर्निंग करते रहोगे तो याद रखना इस संरक्षण में आप लोग अर्निंग भी करोगे, राइट। ओके, थैंक यू अप्लाइंग, बिकॉज ऑफकोर्स जब हम लोग स्टार्टिंग टाइम में बिजनेस के अंदर आए थे तो हम लोग सिर्फ 2 लोग होते थे सीरियसली। एंड अगर आज की डेट में हम लोग अपने टीम साइज को देखते हैं और हमारे पार्टनर्स के साइज को देखते हैं, एंड दैट इज अ मतलब जब हम लोगों ने इस हॉल का बुकिंग किया था तो यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं। तो आप लोगों के जो मार्क्यू सीनियर हैं, हर एक इंसान मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बोल रहा था कि सीनियर पास कम पड़ रहे हैं, हमें और पास चाहिए। तो 4 साल पहले ऑफकोर्स मैं आप लोगों में से कितने लोगों को जानता था, या आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते थे 4 साल पहले? रेयरली मे बी 4 से 5 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं है। बट यहाँ पे नियर अबाउट 1600 से 1700 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनमें से मैं सिर्फ 4-5 लोगों को जानता था, बाकी लोग आए कैसे। इट मीन्स कि सेम सी चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि मैटर ये नहीं करता कि तुम कितने लोगों को जानते हो और कितने लोगों को इस बिजनेस के अंदर अपॉइंट कर दे हो, मैटर ये करता है कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज योर डिसीजन। बिकॉज किस्मत और लक फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, दैट इज योर डिसीजन जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। मैं आप लोगों की एक लाइव स्टोरी बताना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है, ऑफकोर्स उसके जो ओनर है हमारे इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन टाटा, रतन टाटा वो उसके ओनर है। तो जब उस बंदे ने जैगुआर लैंड रोवर को परचेज किया था तो अपने आप में बहुत डाउन जा रहा था, तो लोगों ने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया कि टाटा ने बहुत गलत फैसला ले लिया, अभी बहुत डाउन जाना शुरू हो चुका है, तो इसकी वजह से टाटा का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ें जब चलने लगी तो रतन टाटा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्वाइट किया गया। इन्वाइट करने के बाद उसके सामने सेम सी क्वेश्चनिंग रखी गई कि लोग ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत गलत फैसला लिया और आने वाले टाइम में इससे आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। देन व्हाट ही रिप्लाई, तब जाके मुझे समझ में आया जब मैंने उसकी वर्डिंग को सुना कि पैसा कमाना, बिजनेसमैन बनना और रिच पर्सन में आना वो सिर्फ मेहनत नहीं है, वो एक एटीट्यूड, एक वर्डिंग, एक सोच होती है बंदे की। तो उस बंदे ने तो रिप्लाई किया कि आप लोग जाना चाहते हो, उस इंसान ने जो रिप्लाई किया था वो ये किया था, बोलते मैं कोई भी सही और गलत फैसला नहीं लेता हूं, मैं फैसला ले लेता हूं उसके बाद उसको सही प्रूफ करने के लिए काम करता हूं। एंड आप उन लोगों के अंदर आते हो जिन लोगों ने ऑलरेडी फैसला ले लिए, अभी जस्ट आप लोगों को आने वाले टाइम में काम करना पड़ेगा अपने इस फैसले को सही प्रूफ करने के लिए उन लोगों के सामने जिन लोगों ने अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ के ऊपर अपनी निगाह, अपनी नजर बहुत कम टिकाई हुई है, आपके फेलियर्स को बहुत अच्छे तरीके और बेसब्री से वेट करने पे लगे हुए हैं कि कब तू घर आएगा और कब मैं तेरे को डायलॉग बोलूंगा कि आ गया बिजनेसमैन बन गई। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, या तो जाके उनसे वो वर्डिंग सुन लेना और या फिर वास्तव में उनके सामने बिजनेसमैन बन के जाना। बिकॉज जब वहां पे जाके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं कि ये गाड़ी आई कहां से। प्लीज एक काम जरूर कर देना, और वो काम सिर्फ इतना सा होगा कि उस बंदे को ये जरूर बोल देना कि ऑफकोर्स जिस इंडस्ट्री, जिस आईफा जोन के बारे में आप लोग पॉइंट आउट करते हो ये गाड़ी वहीं से आई है, जो यहाँ का उन्हें एवरेज बंदा लेने की औकात नहीं रखता है, बस एक हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है जो ज्यादा बड़ी नहीं है, ये इतनी औकात और हैसियत रखती है कि अगर बंदे में सपने देखने का दम है और उनको पूरे करने की हैसियत अगर वो रखता है तो ये इंडस्ट्री उसको पूरा करने में हेल्प जरूर करती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके सपने कितने बड़े हैं, प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री छोटा नहीं है, एंड दैट इज जस्ट बिगनिंग। एंड मैं स्पेशली
ऑल ओवर मार्क्यू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो प्लीज एक बार स्टेज पे आए। ऑल ओवर मार्क्यू जो न्यूली प्रमोट हुए या जो पहले से फोर्टी बने, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज क्लैपिंग फॉर देम। हिस्सा है डीबीए का और हमारे हिस्से से भी ये कुछ हिस्सा है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंद्रधनुष ऑडिटोरियम अब हमें फिट नहीं आने वाला, हमें कुछ बड़ा देखना पड़ेगा। बिकॉज शुरुआत चाहे हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल से की है, बहुत छोटे से लेवल, बहुत छोटे लोग, बहुत छोटी सोच जिनको बोला जाता जब वो लोग इस बिजनेस में आए थे। आज की डेट में वो लोग अपनी जब लाखों की गाड़ियों में चलते हैं और हर एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जब चार चार पांच पांच गाड़ियां खड़ी होती हैं तो साथ वाले लोगों को ये समझ नहीं आता कि इनका काम क्या है। बिकॉज अगर उनको समझ में आ जाए तो उनकी गाड़ी भी तो आ जाएगी ना यार। और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर गाड़ियाँ इनकी आ सकती हैं तो डेफिनेटली गाड़ियाँ आप लोगों की भी आ सकती हैं। तो प्लीज़ मेहनत करिए अपने लिए, जिसकी वजह से वक्त कहते हैं कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता जरूर है और वो बदलता अपने आप नहीं है, सबसे बड़ी बुराई है उसको बदलना पड़ता है। एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपके अलावा आपके टाइम को चेंज करने के लिए कोई दूसरा पर्सन काम नहीं करेगा, आप ही वो पर्सन हो जो अपने वक्त और अपने टाइम को बदल सकते हो। थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। Nah, nah, nah.